नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरौला के ग्राम रदहरा में बाइक से घर वापस लौट रहे युवक को डंडा मारकर लहूलुहान कर दिया गया। 3 से 4 दिन पहले खेल को लेकर आपस में हुई बहस में कहे गए थे अपशब्द। बता दें कि जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरौला के ग्राम रदहरा में बाइक से खाद का कट्टा लेकर घर वापस लौट रहे फिरासत पुत्र श्री रियासत ग्राम करमल्लीपुर को नासिर पुत्र श्री जाकिर ग्राम रदहरा ने आपसी रंजिश में डंडा मारकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिस कारण बाइक सवार फिरासत के हाथ की हड्डी टूट गई। घायल फिरासत को उसके परिजन गजरौला CHC लेकर आए, जहां उन्होंने बताया कि इन दोनों में 3-4 दिन पहले खेल को लेकर आपस में बहस हुई थी और एक दूसरे को अपशब्द कहे गए थे, जिस कारण नासिर नाम के व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल फिरासत को गजरौला CHC में प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घायल के परिजनों ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। जिसके चोट लगी, अभी क्या मामला है? ये 3-1 दिन पहले इनमें खेल में आपस में गाली गुलज़ार हुई। अच्छा। फिर अभी एक खाद का कट्टा लेने गया था जी, तो उधर से लेकर आ रहा था, तो रैगरे में इसने चलते हुए गाड़ी के डंडे में बजा दिया। किसने बजा दी? नासिर। कहाँ का रहने वाला? रैदरे का। ये भी रैदरे का रहने वाला? ना, ये करमल्लीपुर के। अच्छा, ये करमल्लीपुर के, वो रैदरे के। तो अभी कहाँ लेकर आए आप इन्हें? किस जगह लेकर आए इन्हें? गजरौला थाना। अच्छा, गजरौला थाना। पुलिस को कोई तहरीर वहरी दी है? पुलिस को पहले पुलिस को कोई लिखित रूप में शिकायत वो दिया है? तहरीर वगैरह दी है कुछ पहले? अभी प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।